हाय एवरीवन, आईसर 2023 का राउंड 6 का अलॉटमेंट हो चुका है। इस वीडियो में मैं क्लोजिंग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, राउंड 6 का कितना क्लोजिंग कट ऑफ गया है। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूँगा राउंड 7 होगा कि नहीं होगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आईसर बहरामपुर की बात करें तो जनरल रैंक 3033 तक गया हुआ है, ओबीसी में 1475 तक गया हुआ है, एससी में 653 तक गया हुआ है, एसटी में 286 तक, ईडब्ल्यूएस में 502 तक, पीडब्ल्यूडी में कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, 41 तक गया है केएम में। और इससे जो पुराने रिलेटेड वीडियोस हैं, ऑफिशियल अपडेट है कैसे आपको एक्शन में करना क्या है, एक्शन आपको लेना है, फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन किन लोग को दिया गया है यार देख लो। अभी वो वीडियो अपलोड चल रही है, अपलोड मिल जाएगी आपको वीडियो थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो भोपाल की बात करें तो 2209 तक गया हुआ है जनरल रैंक, 1184 तक गया है ओबीसी में, 530 तक गया हुआ है एससी में, 259 तक गया हुआ है एसटी में, 336 तक गया ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, केएम में 27 तक। कोलकाता में बात करें तो 1281, 784 ओबीसी में, एससी में 322 तक गया हुआ है, एसटी में 171 तक, 245 तक ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में कोई नहीं है, एंड केएम में 19 तक गया हुआ है। अब मोहाली की बात करें तो 1883 तक गया हुआ है, 1104 तक गया 43 तक गया हुआ है ओबीसी में, 466 तक एससी में, एसटी में 235 तक, ईडब्ल्यूएस में 293 तक, पीडब्ल्यूडी में कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, केएम में 15 तक। आईसर पुणे का एडमिशन क्लोज हो चुका है। तिरुपति का बात करें तो 2894 तक गया हुआ है, 1324 तक गया हुआ है ओबीसी में, 641 तक एससी में, 280 तक एसटी में, 476 तक आपका ईडब्ल्यूएस में, केएम में 89 तक। और आपका बात करें तो त्रिवांद्रम बात करें तो 2577 तक गया हुआ है त्रिवांद्रम में, 1027 तक गया हुआ है ओबीसी में, 607 तक गया हुआ है एससी में, एसटी में 276 तक, 443 तक गया हुआ है आपका ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, केएम में आपका 31 तक गया हुआ है। बीएस इंजीनियरिंग साइंसेज आईसर भोपाल में जनरल रैंक तक 1848 तक गया हुआ है, बाकी कोई भी कैटेगरी में सीट अलॉट नहीं की गई है। ईको की बात करें तो 2513 तक गया हुआ है एंड 1085 तक गया हुआ है ओबीसी में, एससी में 452 तक, एसटी में 260 तक, ईडब्ल्यूएस में 253 तक, उसमें कोई सीट अलॉट नहीं की गई है फिलहाल। अब देख लो, कंपैरिजन में देख लेता हूँ, 2886 तक गया हुआ है इसमें एंड 3300 तक गया हुआ है बहरामपुर का राउंड 6 में, 2065 तक गया हुआ है इसमें, 2209 तक गया हुआ है। तो रैंक थोड़ा इस बार बढ़ा हुआ है, देखते हैं राउंड 7 का अलॉटमेंट जैसा भी होगा वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये जो ऑफिशियल अपडेट जैसा निकालेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग राउंड 6 के बाद 7th राउंड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वैसे देखते हैं क्या होता है, और एक्शन ज़रूर ले लीजिएगा, फ्रीज़ एंड फ्लोट जिनको करना है, एंड फ्रीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रीज़ का ऑप्शन आया होगा मैंने बता दिया है, तो वीडियो आई थिंक अपलोड हो चुकी है वो, ठीक है। और तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जितने ये देख लो यार, ये वीडियो अपलोड हो चुकी है अभी, ठीक है, ये वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है। देखो ये वीडियो मैंने दी थी यार, ये वीडियो मैंने दी थी कि आपको कैसे चेकआउट करना है अपना, इसको भी जा करके देख सकते हो। जैसे ही आया तो सबसे पहले मैंने अपडेट किया था अपने चैनल पे आई थिंक, और मैंने बच्चों से पूछा था। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी डाल दे रहा हूँ, ये वीडियो जो अपलोड करूँगा मैं तो बाकी सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा। फ़िलहाल एक और चीज़ कि जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो यार, देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना कि आपको यहाँ पे पूरी हेल्प मिलने वाली सीबीएसई से रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल अभी जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो रहा हो इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में, बाय बाय।